अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो होता है सिविल सूट का। एक सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किस तरह होता है और उसकी जजमेंट किस तरह होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि सिविल सूट हम करते क्यों हैं। डेफिनेटली कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ग्रीवेंस होता है, कंफ्लिक्ट होता है, इसलिए हम सिविल सूट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे एग्रीव्ड पर्सन है यानी कि पार्टीज, तो वो जो हमारा ऑर्डर नंबर वन है वो हमें बताता है पार्टीज के बारे में। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर नंबर टू पे के सूट फ्रेम किस तरह होता है, वो हमें बताता है फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में, ऑर्डर नंबर टू हमारा। देन जब हम हमारा माइंड एक बन चुका होता है कि हमें सूट फाइल करना है और हमें जो है उसके बाद कोर्ट को अप्रोच करना होता है, ठीक है। तो जब हम कोर्ट जाते हैं तो फिर हमें ऑर्डर थ्री बताता है कि हम एजेंट को रिकॉग्नाइज किस तरह करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप के हमारा अगर कोई ग्रीवेंस है तो हमने एक माइंड बना लिया कि भाई हमें सूट करना है। उसके बाद हम मतलब एक जो है वकील को यानी कि एक रिकॉग्नाइज एजेंट को जो है एंगेज करते हैं। इसके बाद जो है हम उसको अपना जब डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट जो भी होता है जब हम बताते हैं तो देन हमें पता चलता है कि सूट हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इसके जो हमारा कंफ्लिक्ट है उसके मद में। ऑर्डर नंबर फोर हमें बताता है कि सूट जो है वो किस तरह होगा। जब हम ऑर्डर फोर को जब ओपन करते हैं तो वो हमें बताता है कि जब आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो आप जो है उसमें रूल्स कंसीडर करेंगे ऑर्डर नंबर सिक्स के जो कि प्लीडिंग्स के हवाले से है, और ऑर्डर नंबर सेवन के प्लेंट इंस्टीट्यूट होता किस तरह है, ठीक है। जब हमारा प्लेंट जो है इंस्टीट्यूट हो जाता है देन हम ऑर्डर फाइव के जो है ऑर्डर फाइव को मद्देनजर रखते हुए उसके रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है समन जो अगेंस्ट पार्टी होती है उसको समन और नोटिसेस जो है वो इश्यू करवाते हैं। देन उसके बाद ऑर्डर नाइन हमारा जो आ जाता है वो इसके हवाले से कि अगर पार्टीज जो है वो अपियर नहीं होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। ये है अपियरेंस या नॉन अपियरेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। ऑर्डर नाइन हमें बताता है उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट रूल्स हैं कि अगर मतलब सिर्फ प्लेंटिफ अपियर होता है तो क्या होता है, अगर डिफेंडेंट अपियर हो गया तो क्या होगा, अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपियर हो जाता है और जो है ड्यूली समन जो है ड्यूली सर्व्ड हो चुके हैं तो देन हम जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं ऑर्डर नाइन और रूल सिक्स में, और जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का जो डिग्री होती है वो होती है ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन में, सही। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इफ डिफेंडेंट अपियर्स इन द कोर्ट एंड एडमिट्स द क्लेम, अगर डिफेंडेंट अपियर हो जाता है और क्लेम जो है वो एडमिट कर लेता है तो जो है जजमेंट जो है अनाउंस हो जाती है ऑर्डर 12 और जो है रूल 6 में। जो जो पॉइंट्स जो जो फैक्ट्स जो है वो डिफेंडेंट एक्सेप्ट एडमिट कर लेता है उसके अगेंस्ट में हम जो है एप्लीकेशन फाइल करके और उतनी हद तक यानी कि हम अपनी जो है जजमेंट वो उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप यहाँ तक के हमें जजमेंट प्रोनाउंस कर दें ऑर्डर 12 रूल 6 में। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 8 में। अगर डिफेंडेंट आता है और वो कंटेंट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। बट इफ द डिफेंडेंट वॉन्ट्स टू कंटेन द केस देन ही विल सबमिट रिटर्न स्टेटमेंट। हमने पढ़ा कि मतलब डिफेंडेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर उसने अपना क्लेम जो हमने किया था प्लेंटिफ ने किया था वो एक्सेप्ट कर लिया तो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर वो कंटेन करना चाह रहा है, वो अपना मौकिफ पेश करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगा। उसके बाद क्या होगा, रिटन स्टेटमेंट के बाद ये होगा कि कोर्ट विल एग्जामिन द पार्टीज एज वेल एज एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन करेंगी डॉक्यूमेंट्स की जिन पे वो रिलाई करके और एक सूट जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट किया है। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर 14 में कोर्ट विल सेटल द इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं, हमेशा जो है हम इश्यूज को कहते हैं कि कोर्ट सेटल इश्यू करेगी अंडर ऑर्डर 14 के, लेकिन इश्यूज वो होते हैं कि जो है एक फैक्ट जो है फैक्ट अलेज्ड बाय वन पर्सन या वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर, उसको हम इश्यूज कहते हैं। तो कोर्ट जो है अंडर ऑर्डर 14 में जब हम जाते हैं तो ऑर्डर 14 में सबसे पहले जो हमारा रूल 2 है उसका हमें ये बताता है कि द फैक्ट विच इज अलेज्ड बाय वन पर्सन एंड डिनाइड बाय अदर इज कॉल्ड एन इश्यू, ठीक है। इसके बाद हमें जो रूल 2 है उसमें हमें पता चलता है कि इश्यू ऑफ लॉ और इश्यू ऑफ फैक्ट दोनों को ही कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम जो डिसाइड करते हैं वो हम इश्यू ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं देन इश्यू ऑफ फैक्ट को डिसाइड करते हैं। इश्यू ऑफ लॉ यानी कि ये जो हमारा मतलब केस है जो प्लान सूट है हमारा ये लिमिटेशन की इसमें तो फॉल नहीं कर रहा या ये मतलब एंटरटेन हो सकता है नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट होगा या रिटर्न होगा, ये सारी चीजें ये इश्यू ऑफ लॉ सबसे पहले वो डिसाइड होती है। देन इश्यू ऑफ फैक्ट पे जो है हम एविडेंस लाते हैं और हम जो है विटनेसेस को पेश करते हैं।
और इसके अलावा रूल जो हमें 5 है वो ये कहता है कि कोर्ट जो ईच इशू है वो ईच इशू की जो है उसको डिफरेंट जो है डिसाइड करेगी और उसके ग्राउंड्स भी कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट में लिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 14 में, वेयर इट अपियर्स दैट पार्टीज आर नॉट एट इशू, यानी कि जब कोर्ट में ये जो है हो जाता है जज हो जाता है कि जो पार्टीज हैं वो किसी भी इशू में नहीं है, यानी कि ना ही उसमें जो सूट है जो हमारा प्लेंट है उसमें ना ही जो है इशू है लॉ का ना ही फैक्ट का, तो ऑर्डर 15 रूल 1 में हम जो है क्या करते हैं अपना जजमेंट एक हमें कोर्ट जो है वो दे देती है। इसके बाद ऑर्डर 16 में क्या होता है, पार्टीज विल प्रेजेंट लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड विटनेसेस शेल बी समन्ड, यानी कि अगर तो वो इशूज में है ठीक है और वो इश्यू ऑफ लॉ जो है वो हो चुका है एंड देन इश्यू ऑफ फैक्ट पे हम जाते हैं तो फिर हम पार्टीज को जो है उनके उनसे हम लिस्ट रिक्वायर करते हैं विटनेसेस की, और वो अपने विटनेसेस जो है उनकी लिस्ट हमें देते हैं और उनको समन किया जाता है अकॉर्डिंगली। और ऑर्डर 18 में जो है कोर्ट विल हेयर एंड एग्जामिन द विटनेसेस। अच्छा, ऑर्डर नंबर 18 में ये कि कोर्ट जो है वो विटनेसेस को हेयर करेगा ठीक है और उनको जो है एग्जामिन भी करेगा, यानी कि उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। अच्छा, अगर कोर्ट चाहे तो ऑर्डर 18 रूल 18 में मुकाम मुलाइजा खुद भी कर सकता है, पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, ठीक है वो खुद भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और ऑर्डर 18 में रूल 10 एंड 12 हमें ये बताता है कि अगर विटनेस अपियर नहीं होते, उनको समन किया जाता है हेयरिंग के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर वो अपियर नहीं होते तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनपे अप टू 2000 तक फाइन भी लगाया जा सकता है एंड उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके और सोल्ड भी किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 20 में, जब ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर हो चुकी हैं देन जो है प्रोनाउंसमेंट होती है जजमेंट की अंडर ऑर्डर 20। ठीक है, अंडर ऑर्डर 20 में रूल नंबर 5 जो हमें बताता है कि कोर्ट जो है स्टेट करेगी एक एक इशू को जो है उसके मतलब उसके अगेंस्ट में डिसीजन देगा, मतलब हर इशू का डिसीजन होगा और उस ग्राउंड्स के साथ होगा। इसके बाद जो है जो जजमेंट होती है उसकी डेफिनेटली जो है हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं अंडर ऑर्डर 21 में, और जब हम ये ऑर्डर 21 हम एक उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनी सूट किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेशन सूट किस तरह से होते हैं, पार्टनरशिप किस तरह से होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किस तरह से होता है, ये सारे हमें ऑर्डर 21 में पता चलेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी एग्रीव्ड है, जरूरी नहीं कि जिसके फेवर में हमने जिसके फेवर में हो गया है केस, यानी कि डिग्री होल्डर भी एग्रीव्ड हो सकता है फैसले से, कुछ पोर्शन में उसका जो है हो सकता है उसको वो मतलब उसके अगेंस्ट में हो डिग्री का, तो वो भी अपील में जा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि जो डिग्री जो है जजमेंट डेटर जा सकता है, डिग्री होल्डर भी जा सकता है। तो ये है ऑर्डर 41 में, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो अपील करेगा फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि सीपीसी में जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि डिग्री हम दो टाइप की होती है, एक तो डिग्री अपील दो टाइप की होती है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री एंड अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री। तो इसको जो सेक्शन हिट करता है वो करता है 96 से 99 तक, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री। तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो करेगी अपील अंडर 41 के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है एक 1 बाय 1 हो गया प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कि किस तरह से इंस्टीट्यूट होता है सूट और देन किस तरह से हम जो है अपील तक जाते हैं। अच्छा, अगर कोई पर्सन है जो कि किसी ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो जो अपील करेगा वो अपील फ्रॉम द ऑर्डर करेगा और सेक्शन इसको हिट करता है 104, और ये जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर हो सकती है, और अपील फ्रॉम ऑर्डर जो है ऑर्डर जो 7 और रूल 10 है रिटर्न ऑफ प्लेंट उसकी भी वो ऑर्डर होता है कोर्ट का, तो उसके भी अगेंस्ट में हम अपील करते हैं लेकिन अंडर जो है ऑर्डर 43 करते हैं। और जो हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है अंडर ऑर्डर 7 और रूल 10 और रूल 11, उसमें हम क्या करते हैं वो क्योंकि एक एक डीम्ड डिग्री है तो उसके हम अगेंस्ट में करते हैं अपील, अपील फ्रॉम ये ओरिजिनल डिग्री ऑर्डर 41 में हो जाती है इसकी अपील। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ जो है चीजें वो ये बताना चाह रही हूँ कि कंसोलिडेशन ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट का सेक्शन 6A जो कि सिंध में नहीं है, ये लाहौर की एक अमेंडमेंट है उसके अंदर कंसोलिडेशन ऑफ सूट का एक उसमें एक सेक्शन आया हुआ है, उन्होंने अमेंड करके ऐड किया हुआ है 6A के नाम से, वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक क्रॉस सूट का भी हमारे पास आ जाता है कि जो है क्रॉस सूट किसे कहते हैं वो भी हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्रॉस अपील हमारे आ जाता है ऑर्डर 41 रूल 22, यानी कि एक जो है डिग्री होल्डर अगर वो अपनी डिग्री के किसी पोर्शन से किसी भी एक पैराग्राफ से जो कि उसके अगेंस्ट वो समझ रहा है कि वो अग्रीव्ड है उसके अगेंस्ट है या वो उसमें रिलीफ चाह रहा है, तो वो जो वो पोर्शन है जिसपे ऑब्जेक्शन है उस
को डिग्री होल्डर को वो उस पोर्शन के अगेंस्ट में एक अपील फाइल करेगा। तो वो जब अपील वो करता है तो वो हो जाती है क्रॉस अपील, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको भी कंसीडर किया जाता है एज अपील। तो वो जो अपील होती है वो डिफेंडेंट की अपील से मर्ज होके चलती है और दोनों का जो है वो इफेक्ट पड़ता है क्रॉस अपील का। इसी तरह से क्रॉस सूट भी होता है, इसी तरह से जो है सेट ऑफ होता है। जब आप सेट ऑफ होता है सिर्फ और सिर्फ मनी सूट्स में, सेट ऑफ में ये होता है कि अगर आपका कोई मनी सूट है तो आप जो है डिफेंडेंट जो है उसमें क्लेम कर सकता है कि मेरा भी इसकी तरफ कुछ अमाउंट है प्लेंटिफ की तरफ। तो जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट में अपना वो जो है मेंशन कर देते हैं कि ये अमाउंट मुझे इनसे लेना है। तो उसका भी जो इफेक्ट होता है वो भी सिमिलर होता है लाइक सूट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ का भी सेम जो है, सेट ऑफ जब हम सेट ऑफ में जाते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज द प्लेंट, मतलब डिफेंडेंट की तरफ से। तो यहाँ पे हम अपना ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। आखिर में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक बहुत ही अहम सवाल है हमारी जुडिशरी के हवाले से, तो आप इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? इसको आप कंटिन्यू देखिएगा, जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।